अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र कूफा के हालात से आगाह किया। अब आगे, मगर ये बात सुनकर बनो अकील सब खड़े हो गए और कहने लगे, वल्ला हम मुस्लिम बिन अकील का कसास लेंगे या उन्हीं की तरह अपनी जान दे देंगे। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम भी अब ये तो समझ चुके थे कि कूफे में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं और ना इस दीनी मकसद का कोई इम्कान है जिसके लिए ये आहानी अज़म लेकर चले थे। लेकिन बनो अकील के इस इसरार और मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की ताज़ा सदमे से मुतासिर होकर फरमाया कि अब उनके बाद जिंदगी में कोई खैर नहीं। और साथियों में से बाज़ ने यह भी कहा कि आप मुस्लिम बिन अकील नहीं, आपकी शान कुछ और है। हमें उम्मीद है कि जब अहले कूफा आपको देखेंगे तो आपके साथ हो जाएंगे। यहाँ तक के फिर आगे बढ़ना तय करके सफर किया गया और मकाम ज़याला पहुंचकर पड़ाव डाला। रास्ते में जिस मकाम पर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का गुजर होता और उनका कस्द मालूम होता, हर मकाम से कुछ लोग उनके साथ हो जाते। यहाँ भी कुछ लोग साथ हो लिए। मकाम ज़याला पर पहुँच कर ये खबर मिली कि आपके रज़ाई भाई अब्दुल्ला इबन लकीद, जिनको रास्ते से मुस्लिम बिन अकील की तरफ भेजा था, वो भी कत्ल कर दिए गए हैं। ये खबरें पाने के बाद हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा करके फरमाया कि अहले कूफा ने हमें धोखा दिया और हमारे मुतबईन हमसे फिर गए। अब जिसका जी चाहे वापस हो जाए, मैं किसी की जिम्मेदारी अपने सर लेना नहीं चाहता। इस ऐलान के साथ ही रास्ते से साथ होने वाले बदवी लोग सब दाएं बाएं चल दिए और अब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ वही लोग रह गए जो मक्का से उनके साथ आए थे। यहाँ से रवाना होकर मकाम उकबा पर पहुँचे तो एक अरब मिले और कहा कि मैं आपको खुदा की कसम देता हूँ कि आप लौट जाएं, आप नेज़ों भालों और तलवारों की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको बुलाया है, अगर वो खुद अपने दुश्मनों से निमटते और उनको अपने शहर से निकालकर आपको बुलाते तो वहाँ जाना एक सही राय होती, लेकिन इस हाल में किसी तरह आपका जाना मुनासिब नहीं। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो कह रहे हो मुझ पर पोशीदा नहीं, लेकिन तकदीर इलाही पर वो गालिब नहीं आ सकता। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी चल पड़े कि दोपहर के वक्त दूर से कुछ चीज़ें हरकत करती नज़र आईं। गौर करने पर मालूम हुआ कि घोड़े सवार फ़ौज है। ये देखकर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने एक पहाड़ी के करीब पहुँच कर महाज जंग बनाया। ये हजरात महाज की तैयारी में मसरूफ़ थे कि 1000 घोड़े सवार फ़ौज हुर बिन यजीद की क़्यादत में मुकाबले पर आ गई और उनके मुकाबले पर आकर पड़ाव डाल दिया। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया कि सब लोग खूब पानी पीकर और घोड़ों को पिलाकर सैराब हो जाओ। हुर बिन यजीद को हसैन बिन नमेर ने 1000 सवारों के साथ फ़ौज देकर कादसिया से भेजा था। ये और इसका लश्कर आकर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले ठहर गए, यहाँ तक कि जहर की नमाज का वक्त आ गया। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मौज़िन को अज़ान देने का हुक्म दिया और सब नमाज के लिए जमा हो गए। तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरीक मुकाबिल को सुनाने के लिए एक तकरीर फरमाई जिसमें हमद सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं अल्लाह ताला के सामने और तुम्हारे सामने उज़्र रखता हूँ कि मैंने उस वक्त तक यहाँ आने का इरादा नहीं किया जब तक तुम्हारे बेशुमार खतूत और वफूद मेरे पास नहीं पहुँचे, जिनमें बयान किया गया था कि इस वक्त तक हमारा कोई इमाम और अमीर नहीं। आप आ जाएँ तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हमारी हिदायत का ज़रिया बना दें। मैं तुम्हारे बुलाने पर आ गया। अब अगर तुम अपने वादों और अहदों पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर कूफा में जाता हूँ, और अगर अब तुम्हारी राय बदल गई है और मेरा आना तुम्हें नागवार है तो मैं जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाता हूँ। तकरीर सुनकर सब खामोश रहे। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौज़िन को अकामत का हुक्म दिया और हुर बिन यजीद से खिताब करके फरमाया कि तुम अपने लश्कर के साथ अलहदा नमाज पढ़ोगे या हमारे साथ। हुर ने कहा कि नहीं, आप ही नमाज पढ़ाएं, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई और फिर अपनी जगह तशरीफ ले गए। हुर बिन यजीद अपनी जगह चले गए। इसके बाद नमाज असर का वक्त आया तो फिर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और सब शरीक जमात हुए। असर के बाद फिर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया। खुतबे में हमद सना के बाद फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह से डरो और अहले हक को पहचानो तो वो अल्लाह ताला के रजा का सबब होगा। हम अहले बैत इस खिलाफत के लिए उन लोगों से ज्यादा हकदार हैं जो हक के खिलाफ इसके दावे करते हैं और तुम पर जुल्म जोर की हुकूमत करते हैं, और अगर तुम हमें नापसंद करते हो और हमारे हक से जाहिल हो, और अब तुम्हारी राय वो नहीं रही जो तुम्हारे खतूत में लिखी थी और तुम्हारे कासिदों ने मुझ तक पहुँचाई थी, तो मैं लौट जाता हूँ। इस वक्त हुर बिन यजीद ने कहा कि हमें उन खतूत और वफूद की कुछ खबर नहीं कि वो क्या हैं और किसने लिखे हैं। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने दो थैले खतूत से भरे हुए निकाले और उनको उन लोगों के सामने उंडेल दिया। हुर ने कहा कि बहरहाल हम इन खतूत को लिखने वाले नहीं हैं और हमें अमीर की तरफ से ये हुक्म मिला है कि हम आपको उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक इब्ने ज़ियाद के पास कूफा ना पहुँचा दें। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इससे तो मौत बेहतर है।
इसके बाद हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि सवार हो जाएं और वापस लौट जाएं। मगर हुर बिन यजीद ने इस इरादे से रोका तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की जबान से निकला, तुम्हारी माँ तुम्हें रोए, तुम क्या चाहते हो? हुर बिन यजीद ने कहा, बखुदा अगर तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आदमी मेरी माँ का नाम लेता तो मैं उसे बता देता और उसकी माँ का उसी तरह जिक्र करता, लेकिन तुम्हारी माँ को बुराई के साथ जिक्र करना किसी कुदरत में नहीं। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? हुर बिन यजीद ने कहा कि इरादा यह है कि आपको इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दूं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ न जाऊंगा। हुर ने कहा, तो फिर मैं बाखुदा आपको ना छोड़ूंगा। कुछ देर तक यही रद्दोकद होती रही। जिक्र हुसैन में आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।